लॉकडाउन के चलते इंदौर की चोइथराम सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था, फिर अनलॉक होने पर मंडी को खोल दिया गया, लेकिन एक बार फिर संक्रमण बढ़ने की वजह से मंडी को बंद कर दिया गया। लेकिन मंडी के किसान और व्यापारी मंडी के बाहर ही सड़कों पर खुलेआम अपना व्यवसाय कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते इंदौर जिला प्रशासन ने चोइथराम सब्जी मंडी को भी बंद कर दिया था। अनलॉक के तहत मंडी को फिर से खोला गया, लेकिन मंडी व्यापारी और किसानों के कोरोना की चपेट में आने के बाद मंडी को फिर से बंद कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो किस तरह मंडी के बाहर सड़क पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोक व्यापारियों के साथ आम लोग भी यहां अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ खरीदारी करने आ रहे हैं। इस मामले में किसान और व्यापारियों का मानना है कि सड़क पर लगी सब्जी मंडी पर लोग सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं व्यापारी और किसान लॉकडाउन में हुए नुकसान का भी बखान कर रहे हैं। परेशानी तो बहुत सारी समस्या है। 4 महीने लॉकडाउन पूरा हो गया, किसानों ने खड़ी फसल खेत में खराब कर ली और फिर दूसरी फसल तैयार करेगी बिकेगी, फिर वही स्थिति ला दी। आज ये रोड पर मंडी लगा रहे हैं, रोड पर मंडी लगा रहे हैं और अंदर की मंडी बंद करी। यहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, अंदर कोरोना फैलेगा क्या? इसलिए मंडी बंद कराई। मंडी को चालू करवाना चाहिए मनीष सिंह जी को, सारी चीज़ें। किसान बहुत त्रस्त है इस चीज़ से, आदमी हजार हैं, किसान परेशान, लेने वाला परेशान, देने वाला, इसलिए अच्छा बंद करवा दे, सबसे अच्छा बंद कर, जैसे कल बंद है ऐसे बंद हो जाए वो अच्छा है, पर ऐसे तो और मौत आएगी। गवर्नमेंट थोड़ी कुछ काम कर रही है तो और मौत। सुबह आइए आप 4 बजे की, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, कोई इधर धक्का मारेगा, कोई उधर मारेगा, तो इससे कोरोना नहीं फैलेगा। इतनी बड़ी मंडी छोड़ के यहाँ जंगल में भेज दिया आदमियों को, ना दुकानदार कर सकता है ना किसान, सब परेशान है टोटल। वहीं व्यवस्थित था, अच्छा ही था, अच्छा आदमी व्यवस्थित था वहाँ पर, या तो और परेशानी बढ़ गई हम लोगों के लिए। वहीं जिला प्रशासन अब अपनी शर्तों पर 22 जुलाई से मंडी को फिर से खोलने की बात कह रहा है। 22 तारीख तक यदि व्यापारी सब अपना SOP बना कर देते हैं और पुनः सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करने का गारंटी देंगे तभी वो मंडी खोली जाएगी। गौरतलब है कि अगर प्रशासन की शर्तों पर मंडी खुलती है तो उसमें सिर्फ किसान और व्यापारी ही खरीदी बिक्री कर सकेंगे, आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।